हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिम। आप देख रहे हो इजी कैप्चर, ऐसी डिवाइस जो कैप्चर करे किसी भी वीडियो आउट डिवाइस को आपके लैपटॉप कंप्यूटर और आपके स्मार्टफोन पर। इजी कैप्चर डिवाइस को चलिए जल्दी से खोल लेते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिल जाता है इस इजी कैप्चर डिवाइस के साथ में। ओपन करने पर सबसे पहले हमें मिली है एक अदद सीडी, जो कि इंस्टॉल करूंगा मैं मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर पर वीडियो कैप्चरिंग के लिए। नेक्स्ट थिंग हमें इसमें मिल जाती है मेल फीमेल यूएसबी केबल लेंथ को ज़्यादा करने के लिए। तो इसको साइड पे कर लेते हैं और देखते हैं, ये हमारा मेन पार्ट इजी कैप्चर। इसके साथ में इनपुट हैं तीन चार केबल्स और ये हैं ऑडियो वीडियो केबल्स। तो इसको यूज़ करने के लिए वेरी सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मिली है सीडी इसको इंस्टॉल कर लो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में। मोबाइल फ़ोन पर आपको इंस्टॉल करना है यूएसबी कैमरा आपके गूगल प्ले स्टोर से। कैमरा फाई मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो आपको पसंद हो वो कर लो। तो टीवी पर यूज़ करने के लिए आपको चाहिए होगा ऑडियो वीडियो केबल। तो ये तीन पिन वाला भी आता है, आप दो वाला है तो तीन वाला है, जो भी यूज़ कर सकते हो। तो यार मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर एक ऑडियो और वीडियो के लिए। मुझे एवी आउट मिल जाता है, ऑडियो वीडियो आउट मिल जाता है मेरे टीवी से, इसलिए मैं यूज़ कर सकूँगा इसको वीडियो कैप्चर के थ्रू। तो यार ये है कलर्स रेड और वाइट, मैं इसको यूज़ करूँगा ऑडियो वीडियो के लिए। ध्यान रखना कहाँ कहाँ लगा रहे हो। रेड वाला मैं लगा दिया वीडियो में और वाइट वाला मैंने लगा दिया ऑडियो में। नेक्स्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑडियो है और कौन सा वीडियो। तो वाइट वाला ऑडियो लेफ्ट है और रेड वाला है राइट, ऑडियो राइट। और ये है CVBS, यानी ये है वीडियो वाला। तो मैं पहले नंबर पे तो लगा देता हूँ ऑडियो वाले को वाइट में, क्योंकि मैंने ऑडियो में लगाया था वाइट और रेड वाला था वीडियो में। तो मैं येलो में इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अब हमें चाहिए होगी OTG केबल कनेक्टर। तो यार इसको कनेक्ट करूँगा इजी कैप्चर के साथ में, क्योंकि मैं इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये ज़रूरी है इसको कनेक्ट करना। कनेक्ट कर लिया, अब मैं इसको कर लेता हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन में इंसर्ट पिन को। और कैमरा फाई मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसको यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर और ओके। एप्लीकेशन ओपन, थोड़ा सा टाइम फर्स्ट टाइम में, तो कोई बात नहीं, होगी ओपन एप्लीकेशन। अगर आपको बहुत ज़्यादा एड्स आ रही हैं इस एप्लीकेशन में तो आप इंटरनेट बंद करके यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो पहले नंबर पे ऐड आ गई, मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो अलाओ अलाओ और अलाओ, बस अलाओ कर दो यहाँ से। अगर आपके कुछ ऐसा ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पर मिल जाता है कैप्चरिंग का ऑप्शन और वीडियो रिकॉर्डिंग का। इसके अलावा ढेर ऑप्शन है इस एप्लीकेशन में, लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए मैं पूरे नहीं बता रहा। तो कलर मैनेज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो स्क्रीन को, और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो चलिए यार मैं टीवी से थोड़ा सा चैनल वगैरह चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे मोबाइल फ़ोन में हमारा पूरा टीवी चल रहा है। सो नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं हमारे लैपटॉप के लिए किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो चलिए आइए लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा लैपटॉप, इसी कैप्चर को हमने सब कुछ वैसे ही कनेक्ट किया हुआ है। बस आपको सिंपली इसको USB में इंसर्ट करना है और आपके पास में जो CD है उसको इंस्टॉल कर लिया, उसको ओपन कर लीजिए आपके सॉफ्टवेयर को जो आपने इंस्टॉल किया, इसको ओपन कर लीजिए और सब कुछ कनेक्ट है तो आपका TV कनेक्ट है। तो ये देख लीजिए सब कुछ आपके सामने। अब आप अपने लैपटॉप पर भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, फ़ोटो बना सकते हो, या आपको CD बनानी है तो वो भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने है सब कुछ, लाइव चैनल वगैरह हर चीज़ आपके सामने है। कोई भी डिवाइस हो वैसे ही तरीकाकार है। सो नेक्स्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो पुराने सेटअप बॉक्स हैं या नए सेटअप बॉक्स हैं उनमें भी आपको वीडियो ऑडियो आउट मिल जाते हैं, वो भी इसी तरह से कनेक्ट होंगे, उनका कोई अलग तरीका नहीं। चाहे आप उनको लैपटॉप से करो कनेक्ट या आप करो आपके स्मार्टफोन से। अगर आपको डिश ठीक करनी है, उसके सिग्नल वगैरह तो सेट करने हैं, TV उठा के मत ले जाओ, अपना मोबाइल फ़ोन ले जाओ और इस डिवाइस को लगाओ और आपका रिसीवर है या सेटअप बॉक्स या कुछ भी, तो आप मैनेज कर सकोगे, देख सकोगे आपके मोबाइल फ़ोन से। पुराने VCR याद होंगे आपको, वीडियो आउट वाले, ठीक है, वहाँ पे केबल लगाओ, अपना रिकॉर्ड जो केस्ट है आपके लगाओ और उसको इंसर्ट कर दो, जो भी कैप्चर करना चाहते हो जहाँ करना चाहते हो कर लो। और ये थी छोटी सी मज़ेदार सी वीडियो, आपके जितने भी वीडियो आउट वाले डिवाइसेज हैं वो आप इस डिवाइस के ज़रिए हर चीज़ को कर लोगे आपके पास सेफ कैप्चर। तो यार चलो वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
तीर के सामने बने गोल निशान पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ वीडियो मुतालिक आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें।